स्टार्टिंग में कुश्ती लड़कों के अखाड़े में स्टार्ट की थी। अच्छा। बाकनेर, तो वहाँ पे सब ग्रीकों के बच्चे थे। हाँ, तो लड़कियों में तो होता नहीं ग्रीको, क्योंकि एक भी लड़की नहीं थी और लड़के भी ग्रीकों के, तो पार्टनर में बहुत दिक्कत आती थी। रेसलिंग क्या है कि कान टूट जाते हैं और जो शरीर है थोड़ा सा लड़कों जैसा हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इस गेम में। पहली बार जहाज़ में बैठूंगी ये था, क्योंकि कोई हमारे तो परिवार में कोई फ्लाइट में बैठा नहीं था, तो बस ये नहीं था कि मेरे को जीत के आना है, बस इतनी खुशी थी। मैं घर पे सारे को मेरे जहाज में बैठूंगी, जहाज में बैठूंगी, एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। पहली बार गई तो चाइना से भी हारी और जापान से भी हारी, और दूसरी बार जब मैं गई मैंने चाइना भी हराई और जापान को भी हराया, तो तब गोल्ड आया। गदा उठाई जब, कैसी फीलिंग थी? पहली बार मिली थी, बहुत ऐसे हनुमान जैसी हो रही थी, जैसे गदा लेके, मतलब बहुत खुशी हो रही थी घर में पहली बार ऐसे। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। कॉमनवेल्थ के बाद जैसे मैं हारी तो वहाँ पे मीडिया थी, वो पूछ रही थी, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी थी, मैं रो पड़ी। तो मोदी जी ने ट्वीट करके बोला कि भी रोने का दिन ये जश्न मनाने का है। इनके डिब्बे इतने महंगे महंगे आमे हैं, तब इनू ये था चने बेका खा लो या अपने सोयाबीन बेका या दाल दूल खा लो, उन्हें तले इनकी कोशिश करा करते। कई बार हरियाणा वाले आपस में बात करेंगे, नू सोचेंगे जो तो लड़ाई सी माच रही इनकी, तो कई बहन हुए भी तुम इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो, फिर नुए गए बहन गुस्से में को नहीं, हम बस बात कर रहे हैं, बाट देखा करते बस की हार हो रही है, पहला ही जाकर सीट ओट लो। और फिर उसमें गांव के भी होया करते, तो मम्मी यार देखिए हमने तो घूंघट गांगट करके बैठा करती, आराम से बैठ जाओ बात मत करो, तो यो ही देखा हमने। तो शुरू में मैं उड़े पिट्टी भी थी, 5वीं क्लास में मैडम के क्या करती, अगर तू सारिया ने बिगाड़ेगी, सारे बड़का ने बिगाड़ेगी, हरियाणवी बोल रहा है सुध हिंदी सीख ले थोड़ी सी, वहाँ मैडम सीखू। राम राम, नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और नाम है मेरा सोनिया सत्यानीता। आज हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं पूजा गहलोत से। भारत केसरी समेत कई सारी उपलब्धियां पूजा गहलोत के हिस्से रही हैं, उनकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई है और आगे उनका लक्ष्य क्या है, ये जानने के लिए आज हम पूजा के घर आए हैं। पूजा इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बहुत स्वागत हरियाणा तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आपकी जर्नी, कुश्ती की जर्नी कब से शुरू हुई, कौन सी उम्र थी जब आपने कुश्ती करना शुरू किया? कुश्ती मैंने 17 साल की एज में स्टार्ट की थी। पहले, इससे पहले वॉलीबॉल खेलती थी मैं, तो वॉलीबॉल के बाद थोड़ा सा वो टीम गेम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा गेम हो जिसमें मतलब इंडिविजुअल हो, मतलब अपनी हार अपनी जीत जो भी हो। तो मैंने 2014 में कुश्ती स्टार्ट की थी, तो मैं 17 साल की थी। तो फिर शुरू। गांव कौन सा आपका? फरमाना। अच्छा, फरमाना गांव आपका, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। और ये इंटरव्यू मैं आपका ले रही हूँ रोहतक में, तो फरमाना से रोहतक किस तरह आना हुआ? फरमाना से तो पहले तो हम दिल्ली गए थे, मतलब दिल्ली पापा की नौकरी है तो वहीं पे रह रहे थे, तो वहीं पे मैंने जैसे स्टार्टिंग में कुश्ती लड़कों के अखाड़े में स्टार्ट की थी। अच्छा। बाकनेर, तो वहाँ पे सब ग्रीकों के बच्चे थे। हाँ, तो लड़कियों में तो होता नहीं ग्रीको, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब था कि पार्टनर, क्योंकि एक भी लड़की नहीं थी और लड़के भी ग्रीकों के, तो पार्टनर में बहुत दिक्कत आती थी। तो पापा ने फिर देखा कि कहीं अच्छा सा हो और हो, वहाँ पे 3 साल की मैंने। उसके बाद रोहतक आने का देखा कि भी कहाँ पे अच्छा है लड़कियों का, तो फिर हम रोहतक आए थे। फिर वहाँ से आप आए रोहतक में। रोहतक यहाँ पर रेंट पे रह रहा आपका पूरा परिवार? हाँ जी, और पूरा परिवार इसलिए कि वो आपकी कुश्ती अच्छे तरीके से करा सकें। जी बिल्कुल, मेरी कुश्ती के लिए यहीं पे आए थे और दूसरा तो कोई रीजन नहीं था। अच्छा, पूरे 17 साल की उम्र में कुश्ती की शुरुआत की आपने, बहुत लेट नहीं था? बहुत लेट था, बच्चे तो जैसे 9-10 साल में कर ही देते हैं, लेकिन बस था। अब वॉलीबॉल में भी ये लग रहा था भाई कुछ, क्योंकि हाइट भी चाहिए होती है वॉलीबॉल में, तो फिर सोचा एक बार ट्राई तो करते हैं, तो मतलब लाइफ है, कोई बात नहीं, 17 के हो गए तो क्या होगा, ट्राई तो करनी चाहिए। तो उसमें मैंने मतलब और ज़्यादा वो हो गया कि भी मेरी तो एज भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो मेरे को और फोकस मतलब करना चाहिए, तो मैंने बहुत सीरियस होके तब प्रैक्टिस करी। तो मैं देखती हूँ कि गाँव देहात की ना बहुत कम लड़कियाँ कुश्ती में निकलती थी, और जो निकलती थी तो वो माँ बाप के अथाह सहयोग के साथ निकलती थी, क्योंकि बिना माँ बाप के सहयोग के तो हम कहें कि लड़की किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो आपके माता पिता ने आपका पूरा सहयोग किया? जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो मना ही किया था पापा ने कि ठीक है भाई अपना वो लिखे, मतलब ज़्यादा चोट वोट भी नहीं है, और रेसलिंग क्या है कि कान टूट जाते हैं और जो शरीर है थोड़ा सा लड़कों जैसा हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इस गेम में, क्योंकि स्पीड भी चाहिए है, पावर भी चाहिए है, थोड़ा वेट लिफ्टिंग का भी करना पड़ता है, तो थोड़ा शरीर लड़कों जैसा हो जाता है। तो पापा बोले नहीं चोट भी ज़्यादा लगती है और कान भी टूट जाएंगे, तो मैंने थोड़ी सी जिद की उस टाइम पे, तो मैं तो रोने लग जाती थी, नहीं अब तो कुश्ती करनी है। तो पापा ने फिर जिद कर ली, तो पापा बोले चल ठीक है तो करके देख लेते हैं। तो फिर पापा लेके गए वहाँ पे, परमिशन मांगी कि स्टार्टिंग में तो वहाँ के कोच ने भी बोला कि जी यहाँ पे कोई लड़की नहीं आती। दिल्ली की बात कर रही हैं? जी दिल्ली की, जहाँ नौकरी थी आपके पिता की। हाँ जी, कि यहाँ पे कोई लड़की नहीं है तो देखो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पापा बोले सर जिद कर रही है बच्ची है, एक हफ्ता करेगी, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो ये होगा कि कोई भी नहीं, मैं तो अपना वाली कर लूँगी। तो फिर वहाँ पे प्रैक्टिस थोड़ी सी और भी ज़्यादा करवाई, ये सोचा कि कोई, लेकिन मेरा तो जुनून था ना, करूँगी तो करूँगी, कोई नहीं करवा लो। हाँ, तो फिर लड़कों के साथ ही स्टार्ट की थी। लड़के बड़ी उम्र के होते हैं अमूमन? नहीं, एज तो ठीक थी, लेकिन फिर भी लड़कों में क्या है पावर और स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होता ही है, और तो प्रैक्टिस हो नहीं पाई, मतलब जो चाहिए थी वो नहीं हो पाई, पार्टनर नहीं थे। आप लोग रोहतक आ गए? हाँ जी। और यहाँ कौन से अखाड़े में या कौन से स्टेडियम में किस कोच से सीख रही हैं? यहाँ छोटू राम स्टेडियम है, मंदीप कोच साहब हैं हमारे, तो वही करवाते हैं। तो मेडल आने कब से शुरू हुए पूजा, वो जर्नी भी बताएं। मेडल मेरा 2015 में आया था शायद, मेरे को ध्यान नहीं। शुरुआत की 2014 में, और पहला मेडल तकरीबन हम मान ले 15 या 16 में। हाँ जी, लेकिन वो क्या था कि दिल्ली में उस टाइम पे बच्चे कम ही थे कुश्ती के, तो टीम इतनी अच्छी होती नहीं थी। सिलेक्शन में जैसे क्या था, स्टेट में 1 या 2 लड़की आती थी। कौन से प्रतियोगिता के लिए? नेशनल के लिए, हाँ। जब ट्रायल होती थी तो मेरे को लगा बहुत ही आसान गेम है ये तो, मतलब स्टेट में 1-2 बच्ची हैं, एक कुश्ती हुई और जीत गए तो सीधा नेशनल खेलो, तो मेरे को लगा आसान है, स्टार्टिंग में तो लगा आसान है। फिर जैसे जैसे नेशनल में देखा और ज़्यादा भाई, मतलब देखा भाई अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो उनको देख के हारे तो ये लगा भाई हम तो बहुत पीछे हैं। तो फिर थोड़ा सा और किया हमने, और करने की ज़रूरत है, और ध्यान के दे। तो फिर नेशनल में जैसे जैसे खेले तो पता चला कि हम कहाँ हैं और हमने कहाँ तक जाना, तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे नेशनल में मेडल आया, एक बार सिलेक्शन हुआ, और पहली बार जैसे सिलेक्शन हुआ था मैं मार गई थी, हमारी टीम जूनियर की थी, तो मेरे को तो यही नहीं था कि मेरे को आगे लड़ना है, पहली बार जहाज में बैठूंगी ये था, क्योंकि कोई हमारे तो परिवार में कोई फ्लाइट में बैठा नहीं था, तो बस ये नहीं था कि मेरे को जीत के आना है, बस इतनी खुशी थी। मैं घर पे सारे को मेरे जहाज में बैठूंगी, एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। तो पहला तो भी ऐसे ही था, और मैं वहाँ पे हार भी गई थी, लेकिन वहाँ पे हारी तो ये लगा किसी दूसरी लड़की का, जैसे हमारी टीम में जैसे मेडल आया तो भाई मेडल की तो अलग बात है, मतलब एक नैरी हवा हुआ है। फिर अगली बार सोचा जैसे सिलेक्शन हुआ तो भाई इस बार तो मेडल चाहिए, तो फिर अगली बार गोल्ड आया जूनियर एशिया में गोल्ड आया जी। पहली बार गई तो चाइना से भी हारी और जापान से भी हारी, और दूसरी बार जब मैं गई मैंने चाइना भी हराई और जापान को भी हराया, तो तब गोल्ड आया था। ये चैंपियनशिप थी, ये 2017 में हुई थी जूनियर एशिया चैंपियनशिप जी। 2017 से आगे फिर 2017 के बाद मेरे को चोट लग गई थी, शोल्डर इंजरी हो गई थी, तो लगभग 1 साल रेस्ट ही हो गया था, इतना था नहीं। तो फिर दंगल आया था, 10-1 करोड़ का दंगल करवाती है हरियाणा सरकार, तो भारत केसरी तो 2018 में, मतलब 2-3 महीने ही की थी, चोट थी कंधे में, तो यही था कि लड़के तो देखते हैं। तो फिर 57 वेट भी बढ़ गया था, जैसे रेस्ट कर रही थी तो वहाँ लड़ी, तो वहाँ फर्स्ट आ गई। अच्छा, 57 किलो में जी। वैसे तो मैं 51 किलो 53 किलो ऐसे लड़ती हूँ, लेकिन वेट बढ़ गया था रेस्ट पे, तो सोचा इतना वेट क्यों कम करना है, कोई नहीं, इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो सोचा कोई बात नहीं लड़के देखते हैं। तो वहाँ पे अच्छा शरीर चला, तो वहाँ पे गोल्ड आ गया, तो फर्स्ट आने के बाद और गया। जी, भारत केसरी बन गई। भारत केसरी बनी तो मैं देखती थी भारत केसरी में कि दी जाती है गदा जी, और फिर कुछ नकद राशि होती है, गदा और चेक मिलता है। गदा और चेक मिलता है। अच्छा, गदा उठाई जब कैसी फीलिंग थी? पहली बार मिली थी, बहुत ऐसे हनुमान जैसी हो रही थी, जैसे गदा लेके, मतलब बहुत खुशी हो रही थी घर में पहली बार ऐसे। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, क्योंकि वैसे मैं दंगल लड़ती नहीं हूँ, और दंगल पहली बार लड़ी थी तो थोड़ी खुशी अलग थी। तो गदा लेके जब घर आए तो परिवार का क्या रिएक्शन था पूजा? खुश थे सारे। मम्मी, जैसे मैंने फोन करके बताया तो वहीं पे फोन आने लगे परिवार के, सारे घर वालों के। तो मैंने बताया, फिर घर पे मम्मी ने आसपास रसगुल्ले बांट दिए पड़ोस में, और बहुत खुश थे सारे। अच्छा, हरियाणवी लोगों का ना सेलिब्रेशन का भी बहुत अलग सा तरीका होता है कि बहुत सिंपल सा, चाचा में रसगुल्ले मंगा लिए, हाँ, मंगा लिए, बूंदी मंगा ली, गुलदाना मंगा लिया, इस डाल का। और पूजा जब बनी तो वहाँ पे आपने भी कुछ इस तरह की चीज़ें बांटी या कैसे खुशी जाहिर की? वहाँ पे तो बस यही था, फर्स्ट आते तो हो गया था घरा चालू घर क्या तो मिलन का वो हो जावा है। और मम्मी यहाँ पे कर रही थी। वो आप माने कि वो पहली जीत थी कुश्ती के बाद जिसने फील कराया कि हाँ भाई मैं सूं की मर, हाँ मतलब कुछ कर सकूँ हूँ, क्योंकि वेट 57 था और 2 किलो की छूट भी थी, तो 59 दिखाना था। मेरा तो थोड़ा सा कम में था, तो फिर और भी कॉन्फिडेंस नू आए गया भी मैं कर सकूँ हूँ, इतनी पीछे तो को नहीं। फिर और 18 की बात, फिर 18 में वहाँ पे मेरे को फिर से चोट लग गई थी, तो क्योंकि रेस्ट था, 2-3 महीने हुए थे, तो मेरा ज़्यादा दोबारा झटका लग गया, तो फिर रेस्ट पे चली गई थी मैं। उसके बाद अंडर 23 नेशनल खेला, शिरडी होया था, तो फिर वहाँ पे गोल्ड आया, वहाँ पे फिर सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड के लिए। तो अंडर 23 वर्ल्ड में 53 किलो में 2nd आई थी वहाँ पे जी, 2019 में। 2019 में वहाँ पे फिर एल्बो में चोट लग गई, तो ऑपरेशन हुआ फिर। हाँ। तो 1 साल फिर निकल गया ऐसे। चोट का तो ये सोच लो, कंपटीशन हुआ, चोट लग गई 6-7 में। हाँ, गेलाई मिली है, पर फिर वो तो पूरा साल निकल गया। 2019 में लगी तो 20-20 निकल गया, और 21 में फिर नेशनल खेला मैंने, सीनियर नेशनल। फिर दोबारा तय आई, तो फिर वहाँ पे फिर गोल्ड आया। फिर इंडिया कैंप में गए, वहाँ पे अभी जैसे कॉमनवेल्थ में फिर 2022 में तो ट्रायल हुई, लेकिन किस्मत ऐसी थी, ट्रायल से 1.5 महीना पहला एंकल में लिगामेंट टियर हो गया, तो डॉक्टर ने 1 महीने का प्लास्टर बांध दिया कि भाई 1 महीना तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये छोटे-छोटे आपको बड़ी तोहफे में मिली पूजा? हाँ मिली, लेकिन भगवान ने साथ भी उतना ही दिया, रिजल्ट भी दिया है भगवान ने, तो बस यही सोच के शांति मिल जाती है। तो मैंने प्रैक्टिस किया, मैट तो 1.5 महीने से कुछ भी नहीं किया था। अभी कॉमनवेल्थ में गई जब, मतलब ट्रायल हुई जब, तो ट्रायल में बस ये था भाई पहले तो कर रखी है, कुछ नहीं है, पहले तो मैंने बहुत कर रखी है, और खाली 1.5 महीने की प्रैक्टिस ना हुई तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो मैंने हाथों की बहुत की, तो उसी से भगवान ने फिर सुनी मेरी, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कॉमनवेल्थ में गई तो मैं फिर 3rd रह गई थी, बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैं जीत रही थी, लास्ट 9 सेकंड में आ रही हूँ, तो शायद गोल्ड आता, तो बस यहाँ तक था। और कॉमनवेल्थ के बाद किस तरह का चेंज आया पूजा? कॉमनवेल्थ के बाद जैसे मैं हारी तो वहाँ पे मीडिया थी वो पूछ रही थी, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी थी मैं, रो पड़ी। तो मोदी जी ने ट्वीट करके बोला कि भी रोने का दिन ये जश्न मनाने का है, तो बहुत खुशी हुई थी कि जी देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना मतलब बोल रहे हैं। फिर इंडिया में आए तो सब लोग जानते थे भी, बोलते हैं कि ये पूजा गहलोत है, पूजा गहलोत, तो अलग ही खुशी होती है कि लोग पहचानते हैं। और कहीं पे भी जाते हैं, अभी जिम में जाते हैं या कहीं पे भी बाहर जाते हैं, तो ऐसे पहचान जाते हैं लोग भी पूजा गहलोत है, और कोई सेल्फी लेता है तो अलग ही खुशी होती है। और माँ बाप साथ होते हैं, मेरे पापा तो ऐसे आँखों में पानी आ जाया करे, कोई भी खुशी का वो होता है। तो हम ये भी माने कि पिता ने जो है बेटियों को बिल्कुल आगे रखा, और बेटियों का कदम कदम पे साथ दिया। बिल्कुल हर कदम पे साथ दिया मेरे पापा ने, मम्मी ने। मम्मी का भी सारा दिन ऐसे निकल जाता काम में, कभी हमारे लिए मुनक्का, बादाम। पापा तो दिल्ली रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो हफ्ते में 2 ही दिन आते हैं पापा, शनिवार एतवार। तो मम्मी देखती है फिर यहाँ पे पूरा, तो पापा अपनी नौकरी संभालते हैं। और पढ़ाई लिखाई पूजा? पढ़ाई अभी बीपीएड कर रही हूँ मैं एलपीयू से। अच्छा पूजा मेरा सवाल ये भी है कि जब कोई गांव देहात से निकली बच्ची जब इतने सारे लोगों के बीच में जब मैच के लिए जा रही होती है तो तब डर होता है या फिर ये होती है जिम्मेदारी होती है या फिर इतना कॉन्फिडेंस कि मैंने इतना कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में और ये मैच मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये लड़ाई मेरे लिए बहुत छोटी है? देखो डर और जिम्मेवारी तो हो ही जाती है जब इंडिया से मतलब पूरे कुछ 6 ही तो लड़कियां गई थी पूरे भारत से रेसलिंग में, तो एक ये तो है भाई हम बस गिने चुने बच्चों में से हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं। जब नाम आता है कि भाई इंडिया से ये है तो एक जिम्मेवारी बढ़ ही जाती है क्योंकि मेडल के लिए ही भेजते हैं, सरकार भी है जैसे सबको उम्मीद हो जाती है, अगर वाले इतना वो लगाते हैं, कोच साहब इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो यही है कि गोल्ड ही लेके आए। और ये भी तो, माने कि घर परिवार में अगर एक कमाई है तो वो कमाई पूरे पहलवान बच्चे पे ही चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी ऐसे ही निकल जाती है कमाई। तो फिर यही रहता है कि भैया मेरे ऊपर सब ने इतना लगा रखा है, मेरा भी तो कुछ फर्ज है। वहाँ पे एक डर तो हो ही जाता है, शायद हर प्लेयर के उसमें डर तो रहता ही है कि भाई बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये थोड़ा सा डर है और थोड़ी जिम्मेवारी भी है। जब पूजा कॉमनवेल्थ गेम्स में रिजल्ट आए जब पता चला कि मैं तो 3rd ही रह गई, 3रे ही नंबर पे ही आई, रोना आया, बहुत जोर का रोना आया? बहुत रोई थी मैं मतलब फोन तो एक बार तो मैंने बंद कर दिया था क्योंकि घर वाला क्या रहे थे, इन्हें भी मेरा था दुखी तो वह भी हुई होगी। एक बार तो धमकाई सारा ने, कोच साहब ने भी डांटा, मेरे पापा मम्मी थे, एक बार सब ने धमकाई, फिर मैं रोने लगी, फिर मैंने फोन बंद कर लिया दुखी होती ने। फिर ये भी नहीं सोचा भाई मारते ही फालतू दुख तो उसने है, उसने भी तो आंगा लगाए रखा है, बस फिर क्या कर सके, वो हो गया तो हो गया, नुए है भी अगली बार देखेंगे। और अगली बार कॉमनवेल्थ से ये खबर आई है कि कुश्ती को हटा दिया गया है। हाँ तो आप जैसे जो पहलवान जो बहुत सारी उम्मीद लिए भी जी तोड़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सोचते हैं कि वो क्या कह रहे हैं या उनकी ज़िंदगी पर किस तरह से असर होगा, उनके खेल पर कितना असर होगा? हुआ तो गलती है मैम, जैसे जो बच्चे हैं अब एज भी तो डिपेंड करती है, 2026 में अगर हटा दिया तो अगली बार आएंगे तो कितने साल का गैप हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं भी वहाँ पे उनका मतलब मैन वो होता है कि यहाँ पे अभी रिजल्ट आने का टाइम है और वहाँ पे कुश्ती को हटा दिया तो अभी 4 साल फिर वेट करो, तो ये नुकसान तो हुआ है बच्चों का बहुत। और कुश्ती की या फिर हम माने कि पहलवानी करने की जो उम्र है वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आप मान लो कि 34-35 साल ही सही, तो 30-32 से 30 चला जाए बाद में तो वही बात है मैम, 3rd आके काम में चालना हो जाए और सही ना तो ये है 30 या 32 से ये चला जाए। अच्छा इतनी लेट उम्र में कुश्ती शुरू करी, फिर मेडल भी जीते और वो मेडल जीते जिनके लिए बचपन से ही हम देखते हैं पहलवानों को प्रैक्टिस करते हुए, जी तोड़ मेहनत करते हुए और उस मेडल को पाने के लिए रातों भर सपने देखते हुए, जागते हुए, तब भी प्रैक्टिस करते हुए, वो मेडल भी पूजा ने जीता। अब आइडल किन्हें मानती हैं कुश्ती में, किनको देख के शुरू की कुश्ती? कुश्ती में मेरे बड़े पापा करते थे और मेरे को ऐसे बचपन से ही मतलब ये था कुश्ती में, लेकिन फिर वॉलीबॉल स्टार्ट करवा दिया तो बचपन में मुझे पता नहीं था भी क्या आगे फ्यूचर के लिए भी सोचना है, तो 2010 में यहाँ पे कॉमनवेल्थ हुए थे तो मैं वॉलीबॉल खेलती थी उस टाइम, तो मैंने देखा कुश्ती में लड़ रहे, मेरा इंटरेस्ट तो पहले से ही था, देख के और न होगा मैंने यूँ ही लड़ने में मतलब इसमें और न्यारा मजा आया है। तो फिर पापा तो बताई तो उस टाइम तो कतिये नाट गए थे क्योंकि एकदम से कोई भी गेम चेंज करना भी आसान नहीं होता अपना, तो फिर 2014 में जाकर तक कतिये न होगा मैंने ना मेरा इब तक करूँ करूँ। हाँ फिर थोड़ा सा ज्ञान भी होने लग गया भाई, आगे भी मैंने देखा कि मेरा वॉलीबॉल में कोई वो नहीं है, तो फिर मैंने जीत करी। तो फिर जब मेडल आने के बाद कितनी जिंदगी बदलती है? अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है मैम, स्टार्टिंग में देखे तो दिन रात का फर्क लगता है, किसी भी चीज़ को लेके देख लो, जैसे काम आसानी से हो जाता है, लोगों ने जानना शुरू कर दिया है, स्ट्रगल भी कम हो गया है। हाँ जी पहले तो ऐसी दिक्कत रही पैसे की किल्लत बहुत ज़्यादा कि अब फटे हुए जूते पहन के जा रही हूँ, अब खाने पीने में अब मैं किसको बताऊँ कि मुझे अब इस प्रोटीन की ज़रूरत है। मैम ये तो शायद पहलवानी जो करते हैं मेरे ख्याल से नॉर्मल परिवार से जावे हैं बालक। हाँ और यह दिक्कत तो सब बना हुआ है क्योंकि शुरू शुरू में मैंने भी पीटी शूज जूते पहने हैं तो और प्रोटीन के डिब्बे इतने महंगे महंगे आवे हैं, तब इन्हें था चने बेकर खा लो या अपने सोयाबीन बेकर या दाल दूल खा लो, उन्हें तले उनकी कोशिश करा करते इब उन चीज़ों में फर्क आ रहा है मैम। ये बनी यूं है कि इतना पैसा मिल रहा है, हाँ तो हम खरीद सके, खरीद सकती हूँ, हाँ मनपसंद पहन सकती हूँ, हाँ तो पहन के ये भी था जो पहली बार इंडिया लिखी हुई जो वो टी शर्ट पहनी वो फीलिंग कैसी थी? वो तो मैम नैरियो मैं, क्योंकि क्या है कि आजकल क्या है कहीं पे जाते हैं तो हम लिखवा सकते हैं अभी इंडिया लिख दो ऐसे भी, लेकिन मेरे नू था ना मैं कौन लिखवाऊँ, खेल लूँगी ना जब मैं लिखवाऊँगी अपनी टी शर्ट पे और मन तो मिलेगी जब मैं पहनूँगी इंडिया की टी शर्ट, तो बस नैरिय फीलिंग हुआ है पहली बार इंडिया की नू टी शर्ट पहन कर जावे है मानस। आज पूजा जो मैं खासतौर पर महिला पहलवान जो कि गाँव देहात से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं देखती हूँ उनके मुकाबले जो विदेशी पहलवान हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि उनकी जो ट्रेनिंग और अपनी ट्रेनिंग में दिन रात का अंतर जी बिल्कुल अलग, उनको मेंटली तौर पे भी इतना परिपक्व बनाया जाता है और हमें ये होता है कि अगर हम मेडल नहीं जीते तो इतना स्ट्रगल है हमारे पीछे, वो सब चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी तो बहुत सारा भार होता है। तो आप मानती हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो विदेशी तौर तरीकों से होनी चाहिए या विदेशों में भी कभी कभी ले जाया जाना चाहिए? हाँ जी, लेके तो जाना चाहिए क्योंकि हमें पता चले भी वो मतलब किस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के बच्चे प्रैक्टिस कम करते हों, प्रैक्टिस तो शायद उनसे डबल ही करते होंगे, लेकिन थोड़ा क्या है साधन भी नहीं मिल पाते ना, मशीन भी नहीं मिल पाती। हम तो देखते हैं कि हमारे गांव के कई पहलवान देखे कि चाकी के पार्ट डैमल के तौर पर इस्तेमाल कर, हाँ जी बिल्कुल गांव में तो कर रहे हैं नु ये करना पड़ा है और उन फैसिलिटीज भी कुछ ज़्यादा ही मिला है शायद, लेकिन अब तो फर्क पड़ गया, इंडिया कैंप में जावे हैं तो हर चीज़ की सुविधा मिल जावे है। तो कभी फिल्में वगैरह देखती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, क्या करती हैं? नहीं मूवी तो नहीं देखती, बस गाने सुनती हूँ, मैं तो सोई। और जैसे ये पूछे कि आप किस फिल्मी हीरो को जानते हैं, कौन सा हीरो पसंदीदा है? नहीं मैं तो कोई पसंद ये नहीं है कि मैं, और हीरोइन नहीं कोई नहीं ठीक है किसी के कभी कभी ऐसे देख लेते हैं फोन में मूवी, तो जिसकी मूवी देख लो वही अच्छा लगने लग जाता है, मतलब मैन कोई नहीं है कि। और जैसे पूजा आप अलग अलग संस्कृतियों का आपने अलग अलग जगहों पर मिलाप देखा होगा, तो हरियाणा को फिर किस तरह से देखती हैं जो दूसरे लोगों के बीच में जब आप हरियाणवी होती हैं और लोग ये भी पूछते होंगे कि हरियाणवी बोल के दिखाइए थोड़ी सी? हाँ करे है, हमने भी सिखा दो थोड़ी सी मतलब, पर हरियाणा की तो बात न्यारी है। हाँ क्या अच्छा लगता है हरियाणा की? तो जी सारी चीज़ अच्छी लग गए हैं, हाँ। मतलब पहरावा होया या बोलना चालना होया, ये दूसरे के सोचे है कई बार हरियाणा वाले आपस में बात करेंगे नू सोचे जो तो लड़ाई सी माच रही इनकी तो कई बहन हुए भी तुम इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो, फिर नुए गए बहन गुस्से में को नहीं हम बस बात कर रहे हैं। और जैसे पूजा कभी कैंप में गई और वहाँ पे ये कहा गया तो सारी ही शहरी लड़कियाँ जो कोई हरियाणवी जानती नहीं, तो बहुत मन सा उचट जाता होगा, ये ऐसा लगता नहीं है? नहीं नहीं कैंप में ज़्यादातर हरियाणा वाले ही होते हैं, ज़्यादातर हरियाणा वाले होते हैं, तो ऐसा लगता फील ही नहीं होता, हाँ तो सारे लगभग सी हरियाणा आधे से ज़्यादा हरियाणा वाले होती है। और मैंने जैसे कई पहलवानों से बात की जो पूछा भी कि आप विदेशी पहलवानों से हाय हेलो या उनको हराने के बाद कभी गए हूँ उनसे पूछें तो उनको पता कि इतनी अंग्रेजी हमने ना आती ना ना मैं किसी तो को नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद नहीं आती इंग्लिश इतनी, तो मैं तो दूर रहा करूँ और कोई बोले तो कोई साथ में हो तो उसी से पूछती हूँ बहन क्या बोल रही है ये बता दे एक बार और मेरा जवाब हरियाणवी में फिर अंग्रेजी में करके वो, हाँ वो ट्रांसफर कर दे, मैंने इतनी ना आती इंग्लिश। हम 3-4 साल पहले देखा करते हमारे गांव में 2-4 बसें चला करती और उनमें भी जाने के लिए हम देखा करते गांव के भी मानस बैठे पाओगे थोड़ा संभल कर जाना, अपनी लुगड़ी लत्ता पूरे बढ़िया डालता संस्कारी सी बन के सूट पहनना हो चोटी चाटी रखनी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हाँ जी अब हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ जीन्स टी शर्ट भी पहन रही हैं और एक तरह का हम ये माने कि कितना सारा चेंज हुआ है 3 से 4 साल में, आप इस चेंज को किस तरह से देखती हैं? मैम दरअसल मैं ना 5वीं क्लास में थी जब ही दिल्ली चली गई थी, तो वहाँ पे तो इतना नहीं देखा, लेकिन जब मैं छोटी सी थी जब जरूर देखा था, मम्मी के साथ मामा आकर जाया करते तो जरूर देखा करते गांव, जैसे गांव की बस है और क्यों आया करता 2 घंटे बाद एक बस है नू आया करता तो अड्डे पर बाट देखा करते बस की हार न हो रही है पहले जाके सीट ओट लो। और फिर उसमें गांव के भी होया करते तो मम्मी यार देखिए हमने तो घूंघट गांगट करके बैठा करती आराम से बैठ जाओ बात मत करो तो यो देखा हमने थे। और फिर इतनी दूर थी पाया चला के ले जाया करती ऑटो में भी नहीं बैठाया करती इतनी दूर थी पाया लेके जाया करती हमने बस न उतार दिए स्टॉप पे। फिर मामा का जानती उड़े थी पाया चलो उड़े तो रक्षा करेंगे यो चीज देखी हमने छोटे से थे। कितना कुछ हम लोगों ने कितना कुछ खूबसूरत भी देखा भले ही वो उस वक्त हमें ये लगता हो कि कितना दुख हमारी जिंदगी। हाँ लेकिन ये क्या है सब दुर्गाडी हो रही है याड़े तो बैठे कति घर आगे उतरे हैं उस जिंदगी को हम लोग तरस हाँ बिल्कुल तरस रहे हैं कि ऐसी कोई बुग्गी हो जिसमें हम छोटे छोटे बच्चों की तरह छलांग लगा के बैठे और खेत के बीच में खड़े हों वहाँ पर हम देखें कि अच्छा इधर से कोई कुछ गुजरे कोई पशु गुजरे हमारे आगे हम उन्हें कुछ बोलें कि भाई रुक जाताओ को हम बैठा के पूछें। तो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं 3-4 साल में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो गया है बहुत चेंज आ गया पहले से तो सुविधाओं में भी हुआ है। अच्छा पूजा जब दिल्ली चले गए थे तो हरियाणवी आज भी आपके भीतर है कुछ शहरीपन कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं आया? ना नहीं सर सुबह एक बार जो शुरू में भाषा आ जाओ फिर जानती को नहीं। शुरू में मैं उड़े पिट्टी भी थी 5वीं क्लास में मैडम के क्या करती तू सारिया ने बिगाड़ेगी सारे बड़का ने बिगाड़ेगी हरियाणवी बोल है शुद्ध हिंदी सीख ले थोड़ी सी वहाँ मैडम सीखूँ कई बार मारे भी मैडम ने। अरे मैडम सोनीपत की थी तो मैं कहा मैडम आप सोनीपत के हो फिर बिनू क्या तो बोलो हो तो मैं बेटा ये सारे मतलब अच्छे घर के बच्चे हैं और थोड़ा सा शुद्ध हिंदी बोल रहे थे तुम भी सीखो इनसे हाँ याडा हरियाणवी मत बोलो। तो मैं कहा ठीक है पर के करी जो भाषा मुँह पा जा हवा आए जाए सहेली तो मेरी कोई खास बनी है कोनी मतलब शुरू में भी ना थी राज भी कोनी है एक है मेरी पार्टनर सुषमा है बस उसके लिए ठीक बना है ना को गणी सी सहेली तो कोई कोनी। ये रहा कि हमारे जो कल्चर में है वो दूसरे कल्चर्स की लड़कियां थी या फिर जैसा हमारा सोचना या जैसे हम हैं हमारे जैसी लड़कियां नहीं मिले मतलब कुछ भी लगा लो मेरी थोड़ी सी कम में बना है। फिर तो मैं इस मारे दूर रहूं मैं अपने भाई के गिला रहा हम जैसे गांव देहात वाले जो बच्चे हैं तो शहरी जो ज़्यादा हमें दिखते हैं या फिर हमारे साथ मेल मिलाप एक तरह का कल्चरल पहनावे का बोली भाषा का नहीं हो पाता तो हम उनसे नहीं जुड़ पाते ये कारण रहा। हाँ ये लगा लो या कुछ नहीं मेरी तो ये भी नहीं बनती या डरो तक आगे भी को नहीं बनती मैं। पूजा ये कितना मानते कि गांव देहात की लड़कियों का पढ़ना बढ़ना उनका लिखना उनका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है? जी ये तो हर लड़की के लिए जरूरी है। हाँ जी बताने लग रहे हैं कि क्यों कर बेचारी जाया करें थी अपने घर हमारा आज देखो अपने दौरा सोचा कि मार को रही भी गाड़ी लेवांगे बिल्कुल अब हम जहाज में भी सफर करके आवांगे फलाने देश की भी यात्रा की हमने सोची है। ये तो है शायद हर माँ बाप ने ये सोचा जो हमने देखा हमारे बालक उस चीज से ना गुजरे तो नुए मेरी मम्मी मेरे पापा ने मार पे इतना लगाया है भाई मेरी मम्मी ने भी सोचा जो हमने देखा है जो हमने गरीबी देखी है मैं हमारे बालक ना देखें इनने इनके पाया पर खड़े करो। मेरी मम्मी जैसे पढ़ी को नहीं तो मेरी मम्मी का पछतावा सारी न रहा है थोड़ी सी पढ़ लेती तो के विरा मैं भी किता है कुछ। और हम जब कोई बात का जिक्र करेंगे तो अपनी माँ अक्सर न्यू कहती मिला करे जब पढ़ लेती तो आज मैं प्रधानमंत्री हाँ न्यू करा के होंदी क्या करे मेरी मम्मी अक्तरी नानी नांगा लगा देते तो वो भले ही उनके भीतर वो एक वो चाहे मजाक में कह रही हो लेकिन हमें पता उनके भीतर इस बात को लेकर दुख कितना दुख में किस तरह से वो मजाक में बोल रही। बस मेरी मम्मी ने क्या करे तेरी नानी उस टाइम पर थोड़ा सा पढ़ा देती चाहे दो मार देती तो आज पढ़ लिख कर थोड़ा सा ये तो होता कि ताना जाना किसी तक ना पूछना ना पड़े या भाई या बस उड़ जाएगी के या कुछ भी लगा लो बिना पढ़ाई तो आज के दिन यो है कि हर चीज पूछनी है पड़े है। फिर तो आज ये है कि माँ को पूरा प्राउड होता अपनी बेटी। हाँ जी मेरी मम्मी परिवार को भी पूरे गाँव को भी। जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमें समय देने के लिए। आगे क्या सपने आपके और आगे आप क्या लक्ष्य आपका वो और बता दें। वो सब तो एशियन गेम्स और ओलंपिक पे ही है जो भी है अब लेकिन कॉमनवेल्थ बीच में अगर उनमें कुश्ती आती है तो बहुत अच्छी बात होगी। कॉमनवेल्थ हाँ आती है लेकिन वो 2026 में है अभी तो 2023 में क्या ये एशियन गेम्स हैं और 2024 में है ओलंपिक है फिलहाल तो यही है अभी आगे की देखते हैं। बहुत शुक्रिया पूजा हमें समय देने के लिए। थैंक यू मैम। अब ये तो थी मेरे साथ पूजा गहलोत और बातचीत उनके बारे में इसमें आपने जान ही लिया होगा कि पूजा का करियर किस तरह से शुरू हुआ, या फिर हम ये कहें कि उनकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई और आज किस तरह से जारी है। इस इंटरव्यू को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।